पूरी बहुत सी चीज़ों से बनाई जाती है और बड़ी टेस्टी लगती है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सूजी की पूरी। आइए देखते हैं सूजी की पूरी बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मेरी नई रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। इस रेसिपी में मैंने 250 ml कैपेसिटी के कप को मेजरमेंट के लिए यूज़ किया है। 3/4 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप सूजी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सॉल्ट या टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ऑयल, पानी आटा गूंदने के लिए, ऑयल पूरियाँ फ्राई करने के लिए। अब एक परात लेंगे, परात में गेहूं का आटा डाल देंगे, सूजी भी डाल देंगे, नमक डालेंगे और अजवाइन डालेंगे, सबको आपस में मिला देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर आटे को थोड़ा टाइट गूंदेंगे। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। आटा ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। इतना आटा गूंदने में 1/2 कप से कम पानी लगा है। अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल लगा देंगे, फिर थोड़ा सा इसको और गूंदेंगे। आटा चिकना हो गया है, अब हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने आटे को चेक करते हैं। आटा सेट हो गया है, सूजी भी फूल चुकी है। अब हम अपने हाथों पर ऑयल लगाएंगे जिससे आटा हाथों पर चिपके नहीं। और इस आटे से नींबू के बराबर बॉल तोड़ लेंगे। हमें ऐसा ही आटा चाहिए जो ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। अब हम उनको इस तरह से करते हुए ऐसे इसको चपटी कर देंगे और एक बाउल में रखते जाएंगे। इसी तरह दूसरी उठाएंगे, कोशिश करेंगे जो इसका निचला सिरा है बिल्कुल आपस में मिल जाए। ऐसे हम सारी लोइयां बना लेंगे। लोइयों को ढककर रखेंगे। सारी लोइयां बनकर तैयार हो गई हैं। लोइयों को ढककर रखेंगे, कढ़ाई के नीचे गैस ऑन कर देंगे। अब चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे पूरी बेलते हुए चिपकेगी नहीं, और बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब इसमें से एक लोई लेंगे, लोई को चकले पर रखकर बेलेंगे। पूरी को लगभग 3 इंच डायमीटर का बेलेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पूरी डालेंगे। पूरी को थोड़ा दबाएंगे जिससे पूरी तरह फूल जाए और इसको पलट देंगे। पूरी को उलट पलट कर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। पूरी को प्लेट में नैपकिन लगाकर उतार लेंगे। ये पूरी बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इनको हम ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं और किसी फेस्टिवल में बना सकते हैं। ऐसे ही सारी पूरियाँ बना लेंगे। पूरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी है और हम इनको किसी भी चटपटी ग्रेवी वाली सब्जी जैसे आलू
और या किसी भी सूखी सब्जी के साथ रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चटपटे आलू या दम आलू, जिनसे ये पूरी बहुत अच्छी लगेंगी, मेरे चैनल लतास किचन पर देख सकते हैं।